क्या आपने आज जो नया डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट किया है, बस उसको रिक्रूट करने से आपका नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग्स, रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट आई अंडरस्टैंड इज अ मेजर पार्ट, बट माई डियर फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट इट्स नॉट द ओनली पार्ट। अगर आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम अपॉइंट करते हैं और रिक्रूट करते हैं तो उसके बाद उसको सिखाना क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीक, फर्स्ट 10 डेज के अंदर उसको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर अनगिनत रिक्रूटमेंट भी करते रहेंगे ना, आपकी टीम रिटेन नहीं होगी, हमेशा आपको छोड़कर चली जाएगी, बिकॉज 98% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्विट कर देते हैं इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो क्या आप एक्साइटेड हो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से ट्रेन किया जाए, क्या क्या बातें सिखाई जाएं ताकि वो आपकी टीम में एक परफॉर्मर बने, खुद भी करोड़पति बने और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ाए? सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट होता है तो आप उसको अपने कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ते हो, सब यही करते हैं। अब ट्रेनिंग सिस्टम एक बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम होता है किसी भी कंपनी में। जब भी आप एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हायर करते हो तो आप उसको अपने कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से बताते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो ताकि वो प्रोडक्ट शेयर कर पाए, और आप अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हो कि वो किस तरीके से उसको पैसा आएगा। ये होती है माय डियर फ्रेंड एक बेसिक ट्रेनिंग। बट आप जानते हो कि रिक्रूटमेंट कैसे होती है? अब आपने जिस बंदे को रिक्रूट किया, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करे, राइट? बट टीम का निर्माण करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए किन की ज़रूरत है? लोगों की ज़रूरत है। तो लोगों को किस तरीके से लाया जाए, उस स्टेप को बोलते हैं लीड जनरेशन। क्या माय डियर फ्रेंड्स, आपने उसको लीड जनरेशन सिखाया? नो। आप उसको सिर्फ ये बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, वो अपनी लिस्ट बनाता है 20-25-50 जिन लोगों को वो जानता है उनके पास वो बिजनेस लेकर जाता है, और जब वो उसको नो बोल देते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस कर देते हैं, तो उसका मॉरल भी डाउन होता है और वो बिजनेस को क्विट करके चला जाता है। बट अगर आपने उसको एक ऑटोमेटेड लीड जनरेशन सिस्टम सिखाया होता जिससे उसके पास अनलिमिटेड लीड्स आती रहती, तो वो भी मोटिवेटेड रहता और उसके पास लोग होते जिनको वो बिजनेस शेयर कर सकता। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को सिखानी है बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद, पहला पॉइंट इज लीड जनरेशन सिस्टम। और अगर आप भी इस लीड जनरेशन सिस्टम में स्ट्रगल कर रहे हो तो डोंट वरी, फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर इस प्रकार के इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निक्स, टिप्स एंड स्किल्स मैं लेके आता रहता हूँ, आपसे मिस ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट, लीड जनरेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट लीड्स को चलो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे जनरेट करना है। सीखने के बाद उन लीड्स को, आपके पास लीड्स आ गई, 100 लीड्स आ गई भाई, अब इन 100 लीड्स को कॉलिंग कैसे करनी है, उस स्टेप को बोला जाता है कॉन्टैक्टिंग। हाँ, सो कॉन्टैक्टिंग में कुछ स्किल्स काम आते हैं, किन वर्ड्स का प्रयोग करना है, किन स्टेटमेंट्स को बोला जाए ताकि अगला इंसान जिसको आप प्रॉस्पेक्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो आपके वेबिनार में आए। सो कॉन्टैक्टिंग माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं कहता हूँ ये बैकबोन है। आप अनगिनत लीड्स भी जनरेट कर लो, बगर अगर आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका नहीं आता, अगर स्किल्स नहीं आते, जनरली 95% लोग क्या करते हैं जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने फ्रेंड के पास जाके कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई मैंने कंपनी ज्वाइन की है, भाई मैंने एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ग्रुप ज्वाइन किया है जिसमें बस कुछ प्रोडक्ट्स खरीदो और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ो और रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो आ मैं तेरे को भी ये बिजनेस बताता हूँ। इस तरीके की कॉन्टैक्टिंग आपकी टीम कर रही है, कभी आपने चेक किया है कि आपकी टीम के पास कॉन्टैक्टिंग स्किल्स हैं या नहीं है, किस तरीके की अप्रोचेस होती हैं? अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो कि हाउ टू कॉन्टैक्ट पीपल, हाउ टू कॉन्टैक्ट लीड्स, तो बने रहो मेरे साथ, बिकॉज मैं आपको ये भी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर कि इस तरीके से करते हैं। सो थर्ड मेजर चीज़, आफ्टर कॉन्टैक्टिंग, लीड जनरेट कर ली, कॉन्टैक्ट भी कर लिया, स्किल्स आते हैं सीख लिए, अच्छे से बढ़िया से कॉन्टैक्ट कर लिया, बट हाउ टू इनवाइट हिम फॉर द बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये थर्ड मेजर स्किल है माय डियर फ्रेंड जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है, उसको ट्रेन करना है। ही शुड बी द मास्टर इन इन्विटेशन। आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर इन्विटेशन करने में मास्टर बन गया माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे। और नंबर्स मेक्स नंबर्स कहते हैं, जब नंबर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो उन्हीं नंबर्स को देखकर एक नॉर्मल पर्सन भी अटैच होने की कोशिश करता है, बिकॉज वो कहता है
मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं लोग, अगर आपके नंबर्स इंक्रीज्ड होंगे आपके वेबिनार में तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। बट अगर आपके पास नंबर्स ही नहीं, आपकी मीटिंग में 10 20 50 लोग बैठ रहे हैं तो एक नया इंसान आकर देखता है 20 30 लोग, बट वही अगर आपकी मीटिंग में 1000 लोग बैठ रहे हैं, आपके जूम वेबिनार पे 800,000 लोगों की गैदरिंग है, तो वही लोग देखेंगे कि यार इतने लोग, इट मीन्स कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। सो इनविटेशन स्किल्स माय डियर फ्रेंड, जो आप नहीं सिखा रहे हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सिखाने ज़रूरी हैं। नहीं आते, डोंट वरी, आई विल टीच यू। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, MBA करने के बाद, MBA इन मार्केटिंग करने के बाद, 12 साल की जॉब करने के बाद, मैंने 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गुजारे हैं और हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है। ढेर सारी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स पढ़ने के बाद पिछले 4 साल के अपने वास्ट एक्सपीरियंस से जो जो टेक्निक्स मैंने बनाई हैं और अपनी टीम में सिखाई हैं, वी आर गेनिंग वेरी गुड रिजल्ट्स माई डियर फ्रेंड। सो वो सारी की सारी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा, डू नॉट वरी। फोर्थ स्टेप, अब इन्विटेशन भी कर ली, उसने वेबिनार देख लिया, अब माय डियर फ्रेंड फिर से कॉलिंग होती है, यू नो कॉल्ड फॉलो अप कॉलिंग। कैसे करें फॉलो अप कॉलिंग, कैसे उस प्रोस्पेक्ट को कॉल करके किन शब्दों का प्रयोग करें कि वो फॉलो अप में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दे, ये एक टेक्निक है। फॉलो अप कॉल ये नहीं हुआ जस्ट हाँ जी आपने वेबिनार देखा, कैसा लगा, अच्छा ठीक है बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से फॉलो अप नहीं होता है। फॉलो अप के लिए प्रॉपर टेक्निक्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपने फॉलो अप करने का मतलब होता है क्लोजिंग की तरफ लाना। सो ये एक बहुत बड़ा स्किल है, नहीं आता है, डू नॉट वरी, मैं सिखाने वाला हूं। फॉलो अप करने के बाद जो नेक्स्ट स्किल है, दैट इज क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करना ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है जिसको आपको मास्टर करने की जरूरत है। जिस तरीके से आपको इनविटेशन एक बहुत बड़ा स्किल है, उसी तरीके से क्लोजिंग एक बहुत बड़ा स्किल है जिसको आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे तो आपकी टीम ये सोचने लग जाएगी कि यार मैं जब भी अपने सीनियर से किसी को मिलाता हूँ वो क्लोज ही नहीं कर पाते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है माय डियर फ्रेंड्स। अब किस तरीके की अप्रोच को यूज़ करना है वाइल क्लोजिंग, वी विल टीच यू इन द कमिंग वीडियोस। सब्सक्राइब दिस चैनल। अगेन लास्ट एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल भी नहीं सिखाते हो, और वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ माई डियर फ्रेंड, आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्यों छोड़ के जाता है, या वो बिजनेस क्विट क्यों कर देता है, इतनी जल्दी डिमोरलाइज क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी आपका वो बिजनेस देखता है, एक्साइटेड होता है, आपके साथ ज्वाइन करता है, आपके मोटिवेशनल सेमिनार्स देखता है, आप सीनियर से मिलाते हैं, वो एक्साइटेड होता है। बट जैसे उस एक्साइटमेंट के साथ वो अपना बिजनेस लेकर अपने लोगों के बीच में जाता है, वहां से उसको आना शुरू होते हैं ऑब्जेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, यार इसमें तो मेंबर बनाने पड़ेंगे, यार इसमें तो प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, मैं इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स क्यों खरीदूं, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, ओहो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे कज़न ने भी किया, कहाँ फंस गया यार तू, तू भी अमित तू भी। अब इस प्रकार के सारे ऑब्जेक्शंस जब वो फेस कर रहा होता है ना, तो वो फील्ड से ये फेस करने के बाद आपको कभी नहीं आके बोलेगा सर मुझे इस तरीके के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, वो जस्ट ये बोलेगा सर लोग मान नहीं रहे। और ये लोग मान नहीं रहे के पीछे ये ढेर सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। सो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते ही उसको इम्यून करना है, एक ट्रेनिंग देनी है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ये फुल फ्लेज ट्रेनिंग है, ये आपकी बेसिक प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल से हटकर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अलग से ट्रेनिंग होती है, जो कि मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। सो अगर आपने अभी तक नहीं ली है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किस किस मेजर ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशंस आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में देने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं सिखा रहे हैं और सिर्फ इस बात से खुश हुए जा रहे हैं कि आज मैंने ज्वाइनिंग करवा दी, आज मैंने एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड बी अवेयर, अटेंशन ले लीजिए, अटेंटिव हो जाइए, वो डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है आपकी टीम में अगर आपने उनको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई और इन पर मास्टरी नहीं करवाई। अगर आप चाहते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग रन में बहुत अच्छी टीम का निर्माण करें, आपकी एक सॉलिड टीम हो, लीडर्स हों आपकी टीम के अंदर, तो ये सारी की सारी स्किल्स और टेक्निक्स आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। और आप अगर खुद सीखना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, रॉनिक गुप्ता ऑफिशियल, जहां पर मैं स्टोरीज की शक्ल में, रील्स की शक्ल में सारी ट्रिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करता रहता हूं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर हिट कर दो माय डियर फ्रेंड, शेयर करो अपनी टीम में और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इस प्रकार के वीडियो आपसे मिस ना हो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।